हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुड लक रेसिंग टिप्स। तो पहले बात तो हम का बात करते हैं पिछले रेस की, जो कि डेट था 10/3/2023 बैंगलोर रेस। टोटल 7 रेस का कार्ड था एंड ऑफ कोर्स हमारा बहुत से सिलेक्शंस बोर्ड पे है। तो पहले भी कहा था कि मतलब पूरी रेस खेलने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ रेस खेलिए जो कि आपको प्रॉफिट करा सके। जैसे मैं खुद 2-3 घोड़े खेलता हूँ पूरे दिन में, ताकि मैं प्रॉफिट में हूँ, एंड ऑफ कोर्स मैं प्रॉफिट में ही रहता हूँ। तो वैसे ही आप भी पूरे रेस में 2 या 3 घोड़े खेल के प्रॉफिट में हो सकते हैं, तो इसलिए पूरी रेस खेलने की कोई ज़रूरत नहीं। देखा जाए तो ऐसा तो सिलेक्शंस ज़्यादा बोर्ड पे रहते, कभी नहीं रहते, इसलिए हमेशा हमारा हिसाब से मतलब कुछ ही रेसेस खेलना चाहिए जो कि प्रॉफिट करा सके। तो ठीक है, आज की रेस की बात करते हैं, जो कि डेट है 11/3/2023 बैंगलोर रेस। टाइमिंग है 2 to 5:30 PM। टोटल 8 रेस का कार्ड है एंड 8 रेस कार्ड एनालाइज करने के बाद तो ऐसा लग रहा है ठीक ठाक है, पर फिर भी एक दो रेसेस मतलब अपसेट्स हो सकते हैं, इसलिए पूरी रेस मत कीजिए। हमेशा की तरह 2 या 4 घोड़े खेल के प्रॉफिट के लिए ये सबसे खेलिए। तो बैंगलोर के फर्स्ट रेस की बात करते हैं, द काउंट फ्लीट प्लेट डिवीजन 2 क्लास 5 1400 मीटर। बैंगलोर का फर्स्ट रेस का पहला चॉइस है 7 नंबर हॉर्स मार्को पोलो कृतिश भगत फॉर विन प्लेस। सेकंड चॉइस है 3 नंबर हॉर्स वॉर ट्रेल वाई एस श्रीनाथ फॉर विन प्लेस। एंड थर्ड चॉइस है 5 नंबर हॉर्स ही इज़ द वन हिंदू सिंह फॉर प्लेस। तो बैंगलोर का फर्स्ट रेस ठीक ठाक रेस है, इसमें आप विनिंग या प्लेसिंग का चांस ले सकते हैं। देखे जाए तो वैसा तो मुझे तीनों भी पसंद है, 7, 3, 5 मार्को पोलो वॉर ट्रेल एंड ही इज़ द वन, पर ज़्यादा तो वॉर थ्री एंड फाइव दैट इज़ वॉर ट्रेल एंड ही इज़ द वन। अगर इसमें आपको जो भी बेस्ट लगे तो उसमें प्लेसिंग या फिर विनिंग का भी चांस ले सकते हैं। तो चलते हम बैंगलोर के सेकंड रेस में, द क्लासिक स्टोरी ट्रॉफी डिवीजन 2 क्लास 4 1200 मीटर। तो बैंगलोर का सेकंड रेस का पहला चॉइस है 3 नंबर हॉर्स एजेरा एस जॉन फॉर विन प्लेस। सेकंड चॉइस है 2 नंबर हॉर्स फोई आर एन दर्शन फॉर विन प्लेस। एंड थर्ड चॉइस है 1 नंबर हॉर्स एलमीन आर रायन अहमद फॉर प्लेस। तो बैंगलोर का सेकंड रेस भी ठीक ठाक रेस है, इसमें आप विनिंग या प्लेसिंग का चांस ले सकते हैं। इसमें मुझे ज़्यादा तो पसंद है तो 3 and 2 डेट इज़ एजेरा एंड 2 नंबर 4। तो चलते हम बैंगलोर के थर्ड रेस में, द फ्रैंकल स्टेक्स क्लास 4 1600 मीटर। बैंगलोर का थर्ड रेस का पहला चॉइस है 2 नंबर हॉर्स काटाना वाई श्रीनाथ फॉर विन प्लेस। सेकेंड चॉइस है 1 नंबर हॉर्स होप आइलैंड एस जॉन फॉर विन प्लेस। एंड थर्ड चॉइस है 3 नंबर हॉर्स क्वीन प्रेगनेंट आर एन दर्शन फॉर प्लेस। तो बैंगलोर का थर्ड रेस भी ठीक ठाक रेस है, इसमें आप विनिंग या प्लेसिंग का चांस ले सकते हैं। मुझे ज़्यादा तो पसंद देते हो 2 नंबर काटाना एंड 1 नंबर होप आइलैंड। तो चलते हम बैंगलोर के फोर्थ रेस में, द ऑक्टोगोनल स्टेक्स क्लास 2 1400 मीटर। बैंगलोर का फोर्थ रेस का पहला चॉइस है 4 नंबर हॉर्स शैमरॉक सूरज नरेडू फॉर विन प्लेस। सेकेंड चॉइस है 3 नंबर हॉर्स पीओ खुर्शद आलम फॉर विन प्लेस। एंड थर्ड चॉइस है 1 नंबर हॉर्स डी विलियर्स पी ट्रेवर फॉर प्लेस। तो बैंगलोर का फोर्थ रेस भी सही रेस है, अच्छी रेस है, इसमें विनिंग या प्लेसिंग का चांस ले सकते हैं। ज़्यादा तो मुझे पसंद है 4 नंबर शैमरॉक, ऑफ कोर्स डे बेस्ट है एज अ बुक में भी। एंड मुझे तो 4 नंबर एंड 3 नंबर ऑफ कोर्स 3 नंबर पीओ ऑफ कोर्स प्राइज ज़रूर करेगा बोर्ड पे लाने के लिए। तो आपको जो भी पसंद हो तो इसमें विनिंग या प्लेसिंग का चांस ले सकते हैं। तो चलते हम बैंगलोर के फिफ्थ रेस में, द क्लासिक स्टोरी ट्रॉफी डिवीजन 1 क्लास 4 1200 मीटर। बैंगलोर का फिफ्थ रेस का पहला चॉइस है 3 नंबर हॉर्स सोशिएबल एलएलएक्स रोजारियो फॉर विन प्लेस। सेकंड चॉइस है 5 नंबर हॉर्स राइटली नोबल आर रायन अहमद फॉर विन प्लेस। एंड थर्ड चॉइस है 6 नंबर हॉर्स कैश आउट AR प्रदीप फॉर प्लेस। बैंगलोर का फिफ्थ रेस भी अच्छी रेस है, इसमें विनिंग या प्लेसिंग का चांस ले सकते हैं। ज़्यादा तो मुझे पसंद है 3 and 5 डेट इज़ सोशिएबल एंड राइटली नोबल। तो चलते हम बैंगलोर के सिक्स्थ रेस में, द माज डॉट सी न्यूटन डेविस मेमोरियल ट्रॉफी 3 इयर्स हॉर्स की रेस है 1400 मीटर। तो इसमें ओनली 2 प्लेस का चांस मिलेगा, तो इसलिए हमारा 2 चॉइस ही है सिक्स्थ रेस में। दैट इज़ फर्स्ट चॉइस इज 4 नंबर हॉर्स अमेजिंग अट्रैक्शन पी ट्रैवल फॉर विन प्लेस। एंड सेकेंड चॉइस इज 1 नंबर हॉर्स मैगनस सूरज नरेडू फॉर विन प्लेस। तो सिक्स्थ रेस बच्चों की रेस है,
ऑफ कोर्स इस पर सब ट्राई करेंगे एंड थोड़े बहुत मतलब पूरे दिन में बड़ी रेस है तो और ट्रॉफी की रेस है तो ऑफकोर्स ट्राई करेंगे सब जन। तो इसके लिए फिर भी हमारा बेस्ट जो निकल गया है 4 & 1 डेट इज़ अमेजिंग एट्रेशन एंड मैगनस और मुझे दोनों ही पसंद है। अगर इसमें आपको जो भी पसंद हो तो विनिंग या प्लेसिंग का चांस ले सकते हैं। तो चलते हम बेंगलोर के 7th रेस में द माउंट जॉय प्लेट क्लास 3 1600 मीटर। बेंगलोर का 7th रेस का पहला चॉइस है 3 नंबर हॉर्स पिलूच LLX रोजारियो फॉर विन प्लेस। सेकंड चॉइस है 8 नंबर हॉर्स ऑगस्टो पी ड्राइवर फॉर विन प्लेस एंड थर्ड चॉइस है 1 नंबर हॉर्स लाइकर्गस वाई श्रीनाथ फॉर प्लेस। तो बेंगलोर का 7th रेस भी ठीक ठाक रेस है, इसमें आप विनिंग या प्लेसिंग का चांस ले सकते हैं। ज़्यादा तो मुझे पसंद है तो 3 & 8 डेट इज़ पिलूच एंड ऑगस्टो। तो चलते हम बेंगलोर के 8th एंड द लास्ट रेस ऑफ द डे द काउंट फ्लीट प्लेट डिवीजन 1 क्लास 5 1400 मीटर। बेंगलोर का 8th रेस का पहला चॉइस है 4 नंबर हॉर्स मेगा सक्सेस वी आर जगदीश फॉर विन प्लेस। सेकंड चॉइस है 2 नंबर हॉर्स एल्टेर वाई एस श्रीनाथ फॉर विन प्लेस एंड थर्ड चॉइस है 1 नंबर हॉर्स बैरोनस पी किरण राय फॉर प्लेस। तो बेंगलोर का 8th रेस थोड़ा टफ मैं कह सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत से ट्राई पे है घोड़े, क्लास 5 की रेस है ऑफकोर्स ट्राई पे रहेंगे सब यहाँ पे। फिर भी हमारा बेस्ट जो निकल का है 4-2-1 मेगा सक्सेस एल्टर एंड बैरोनेस। अगर मुझे लगता तो यहाँ पे अपसेट करेंगे तो एस जॉन, क्या पता नहीं मतलब वो अगर फेवरेट भी बन सकता है कुछ कह नहीं सकते, पर हमारा जो बेस्ट जो है 4-2-1। अगर इसमें आपको जो भी पसंद हो तो विनिंग या फिर प्लेसिंग का भी चांस ले सकते हैं। तो ये रहा हमारा बेंगलोर का 8th रेस का सिलेक्शन, आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। तो बेस्ट एंड गुड लक फॉर द बेंगलोर रेस। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेस के साथ।